रोजमर्रा के कारोबारी और दीगर मामलात को कानूनी शक्ल देने के लिए स्टैंप पेपर जरूरी है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा में कम मालियत के स्टैंप पेपर मार्केट से गायब हो गए हैं। शहरी मजबूरन बड़े मालियत के स्टैंप पेपर खरीदने लगे हैं। तफसीलात बताएंगे कामरान अली। हल्फनामे जायदाद की रजिस्ट्री कॉलेजेस में दाखिले अदालतों में मुकदमात की पैरवी या फिर दीगर मामलात को कानूनी शक्ल देनी हो तो स्टैंप पेपर लाजमी है। स्टाम्प पेपर के लिए शेरी पिशावर के जुडिशल कम्प्लेक्स का रुख करते हैं। ताहम कम मालियत के स्टाम्प पेपर मार्केट से गायब। इधर स्टाम्प पेपर का बहुत दुश्वार गुजार मसला है। हमारे दूसरे सूबों में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में 50-30 रुपए का, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर मिलता है और इधर हमारे 50 का, 100 का बिल्कुल मार्किट में गायब है और 200 स्टाम्प पेपर मिलता है 250 का। मुख्तलिफ नौयत के उमूर के लिए अलग अलग कीमत के स्टाम्प पेपर दरकार होते हैं, लेकिन दीगर सूबों में जहाँ 10, 20, 30 और 50 रुपये मालियत के स्टाम्प पेपर दस्तियाब है तो वही खैबर पख्तूनख्वा में 200 से कम मालियत वाले स्टाम्प पेपर नज़र ही नहीं आते। खजाने वाले हमसे कहते हैं कि यह स्टाम्प नहीं है, वो जो हमारे गोंड में प्लेस से कराची से वहाँ से वो कम आते हैं ना, वो कम आते हैं, 100 वाले भी आ जाते हैं, 150 वाले भी आते हैं। जब वो हमें 100 वाले देते हैं, हम 100 वाले चलाते हैं, 150 वाले आते हैं, 150 वाले चला लेते हैं। स्टाम्प फरोशों और महकमा खजाना की मिली भगत या कोई और वजह, लेकिन मजबूरियों के मारे आवाम का किसी को ख्याल ही नहीं। कैमरामैन अब्बास अली के साथ कामरान अली, आज न्यूज़ पेशावर।